नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक संस्मरण के बारे में जानेंगे और भी कौन कौन सी बातें इसमें होती है, संस्मरण कैसा होता है, किसने ये संस्मरण लिखा है और किस बाबत है ये तो आप जान लीजिए। मेरे संघ की औरतें एक एक चित्र खींचने की कोशिश की गई है कि उनका जब समय था उनके समकक्ष जो महिलाएं थी वो किस तरीके की थी, शायद इसके आजू बाजू एक रूपरेखा सी हो, अनुमान है। आगे पूरी पिक्चर आने वाली है, जल्दी से हमें पता चलेगा। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कॉल करेंगे, कहाँ करेंगे देख लीजिए, 8800440559 अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं, चूँकि कक्षा 9 के लिए सेशन है तो आप dts.class9@cit.nic यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए आप NCERT ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं और PM विद्या का जो चैनल नंबर 9 है वहाँ पर भी इस प्रोग्राम को आप लाइव देख सकते हैं। समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का, जिनसे आज हम इस खूबसूरत संस्मरण पर बहुत सारी यादें ताज़ा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाषा शिक्षा विभाग से डॉक्टर नरेश कोहली, जो कि NCERT से। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर कोहली। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये संस्मरण मृदुला जी ने लिखा है, मृदुला गर्ग के ऊपर है, तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। मृदुला गर्ग जी की जो यात्रा थी वो कैसे रही, कैसे उन्होंने संस्मरण को लिखा जी। धन्यवाद धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सबका, और जो हमारे साथी जोड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। और जैसा कि नाम से और आप परिचय दे रहे थे उससे भी है कि ये 9वीं कक्षा में हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक भी है, पूरक पाठ्य पुस्तक, उसमें शामिल है और एक तरह से क्रम में ये पहला ही अभी जो हमें पढ़ना है वो पाठ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस पाठ का हमने आज चुनाव किया कि इस पर बातचीत हो। और जैसा कि शीर्षक से अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें किसी ने अपने संस्मरण को शब्दबद्ध किया है उसमें कि मेरे साथ की जो औरतें हैं, आपने कहा कि शायद वो उससे एक भाव ये निकल के आया कि वो समकालीन हो सकती हैं, लेकिन आपका अनुमान थोड़ा सही है। थोड़ा उसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये दरअसल हिंदी की जो सुप्रसिद्ध कथाकार हैं मृदुला गर्ग, उन्होंने अपने कहना चाहिए यादों को उसमें पिरोया है, संजोया है, और खास तौर से इसमें 2-3 पीढ़ियां हैं, एक साथ नहीं। और इसमें दूसरी खास बात ये, सब उनके परिवार की महिलाएं हैं। दरअसल ये उनका साथ जो है वो उनकी नानी से लेके परदादी, दादी, माँ, और खास तौर से उनकी जो बहनें हैं और भाई हैं उनके बारे में है। और उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं आप इसका विस्तार जब करेंगे तो ये भी पाएंगे कि जब हम कहते हैं कि मेरे संघ की औरतें, तो फिर वो आपकी बात की तरफ जाएगा कि भाई कोई भी हो सकता है जो मेरे साथ है, जिसका मुझे साथ चाहिए, या मैं जिनका साथ चाहती हूँ, या अंततः इसका विस्तार जब हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक महिलावादी जो विमर्श होता है, जो स्त्री विमर्श होता है, उसकी तरफ ये बात अपने आप जुड़ जाती है। बट इसमें जो रोचक है वो ये है कि परिचय में भी इनके ये कहा गया है कि मृदुला जी के बारे में थोड़ा सा जो नारीवादी विमर्श है उसके बड़ी सावधानी से हमें उसके बारे में जानना चाहिए जी, जी। क्योंकि ये उस नारे का जो है, जो स्त्री को पूरी तरह से एक परंपरा से हटके देखती है और एक तरह से हर दायरे से बाहर देखती है, वो वहाँ ना जाके इस पाठ में भी उन्होंने ये रेखांकित किया है कि परंपरा से जुड़े रहकर भी हम अपनी अस्मिता के साथ, अपनी पहचान के साथ, लीक पे चलते हुए, लीक से हटकर कुछ कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बार बार इस पाठ में रेखांकित होता है। और ये कितनी महत्वपूर्ण कथाकार है इसका आभास जब हम उनके परिचय पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो लगेगा। देखिए उनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ 1938 में 25 अक्टूबर को, लेकिन जो मूलतः इनका परिवार है वो उत्तर प्रदेश से है। और परिवार इनका काफ़ी चर्चित परिवार है, और मेरे संघ की औरतों को भी अगर आप देखेंगे, मृदुला गर्ग के परिवार में एक खूबी ये है कि इन्हीं के परिवार में 4 या 5 बड़े नाम हैं जो हिंदी साहित्य में और अंग्रेजी में भी लगातार चर्चित रहे हैं। अगर आप इनकी बड़ी बहन का नाम, अगर मैं कहूं कि उनका नाम लेंगे तो मंजुल भगत, हम सब जानते हैं, वो भी उतनी ही चर्चित कथाकार हैं। और उनसे जो छोटी बहन है वो इंग्लिश में लिखती हैं, वो भी हैं,
और उनके भाई भी है, एक ही परिवार में चार पांच बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। और इस मुझे लगता है इस सृजनात्मक विस्फोट की कहिए कि एक तरह का जो क्रिएटिव माहौल है उसके पीछे पीछे पूरी की पूरी एक कहिए परंपरा है, ये उस परंपरा को बनाए भी रखती हैं और अपने तरीके से एक नई परंपरा भी रचती हैं। और जैसा मैंने कहा इनके लगभग 30 किताबें इनकी प्रकाशित हैं, उससे भी ज़्यादा होंगी। और ख़ास तौर से इनकी जो पहचान है वो कथाकार की है, और कथाकार में उपन्यास और कहानियाँ मुख्यतः इन्होंने लिखे, इसके साथ नाटक भी लिखे, व्यंग्य भी, निबंध भी, पत्रकारिता में भी लगातार पत्रिकाओं में भी लिखा। लेकिन उपन्यास इनकी चर्चा एक बड़ी शुरुआत इनकी जब हुई, एक ये भी है इसमें भी प्रसंग आता है कि इनके सबके नाम अलग अलग हैं, ये मूलतः मंजुला भगत आप देखेंगे और इनका है मृदुला गर्ग जी। और बाकी का भी नाम इसी तरह से, वो शादी के बाद जो इन्होंने अपना सरनेम जिसको हम कहते हैं वो बदला, उससे ये अंतर आया है। और लेकिन इसका भी बड़ा एक रोचक इसमें संदर्भ है कि स्त्री विमर्श में ये सवाल उठता है कि भाई महिलाओं को शादी के बाद अपना नाम नहीं बदलना चाहिए, वो उनकी पहचान है, मूलतः ये विवादास्पद है। लेकिन ये कहती हैं कि इसका एक लंबा डिबेट होता है इसमें, वो हम जब संदर्भ आएगा तो उस पर जाएंगे। लेकिन इन्होंने सभी बहनों ने लगभग शादी के बाद लिखना आरंभ किया, और इनका जो इनकी पहली रचना है वो 1971 में प्रकाशित हुई, और उसका जो कहानी थी रुकावट, उन्होंने कहा भी है कि जब रुकावट कहानी प्रकाशित हुई उसके बाद कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। और एक मैं अभी देख रहा था, अभी मुझे है, और एक इनका व्यंग्य लेख भी है, खेद नहीं है। तो मैं कभी इनको पूरा एक स्लोगन की तरह चलता था, रुकावट के लिए खेद नहीं है, खेद है नहीं, तो रुकावट के लिए खेद नहीं है कि जो परंपरा में अलग लीक बनाई इन्होंने उसके लिए ने कोई तो। और वो कहानी सारिका में प्रकाशित हुई जो कि उस समय बहुत ही चर्चित कहिए कि पत्रिका थी कहानी की, और कहानी की पत्रिका में भी कमलेश्वर जी उसको कहानीकार थे, वो निकालते थे। और साथ ही साथ अगर इनकी जो दूसरी या तीसरी कहानी थी वो कहानी पत्रिका शीर्षक से जो पत्रिका निकलती थी उसमें छपी, और उसको उस साल का जो कहिए कि सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार भी मिला। क्या बात, तो ये हाँ, और उसका 72 की बात है, 1972 की बात है ये। कितनी कह दें, ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो विचार कहाँ से पनप रहा है, कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो ढांचा है जो कि कैद की तरह से है, वो सवाल वहीं से पहली कहानी दूसरी तीसरी कहानी से ही आरंभ हो गया था। और इसी के साथ साथ फिर लगातार उनके दो तीन कहीं आधा दर्जन से ज़्यादा कहानी संग्रह आए, और उपन्यास जो चर्चित हुए उनके वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए, जैसे उसके हिस्से की धूप है जो उनका पहला उपन्यास है, वंशज है, और जो बहुत विवादित भी हुआ चित कोबरा उपन्यास है, अनित्य है, कठगुलाब है, कठगुलाब भी बहुत चर्चित हुआ, और अभी जो नवीनतम इनका उपन्यास जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ वो मिलजुल मन करके है शीर्षक से। और इसी उपन्यास को जो भारतीय साहित्य अकादमी है केंद्रीय हमारी भारत सरकार की, उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी कहानी अक्सर लोग इनको उस नाम से भी जानते हैं, हरी बिंदी, वो भी बहुत चर्चित हुई थी, डेफोडिल जल रहे हैं, ये बहुत सारे शीर्षक भी हैं कहानियों के, और उसके बाद बहुत सारे कवि कहानी संग्रह भी हैं। इसके अलावा मैंने कहा इन्होंने नाटक भी लिखे जी। नाटक भी एक और अजनबी जादू का कालीन बहुत चर्चित हुआ, तीन कैदें, साम दाम दंड भेद, और मैंने कहा कि और भी कई तरह का लेखन इन्होंने किया, व्यंग्य लेखन। लेकिन अगर हम इनकी सारी कहानियों को एक साथ देखना चाहें तो वो दो वॉल्यूम में संगति और विसंगति शीर्षक से हमें एक साथ मिल जाएंगी। ये एक संक्षिप्त सा परिचय है जो कि केवल हमें अपने विद्यार्थियों की, कि एक महत्वपूर्ण कथाकार जब अपने बारे में लिखती हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे लिखती हैं। और लेखन शैली मैं तो पढ़ के ही बहुत मुझे कहिए कि रोमांच हुआ। देखिए आप इसकी शुरुआत देखिए कि वो कैसे करते हैं, कितना सिंपल और सहज है। वाक्य रचना देखिए कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है
अब वाकई ही देख लीजिए कि अगर कोई भी, हम कहते हैं ना हम लोग लिख नहीं पाते, ये हमें उस लेखन कौशल की ओर भी लेके जाता है। अगर हम लिखना चाहें तो मैं भी लिख सकता हूं कि भाई मेरी एक नानी थी, मैंने भी अपनी नानी को नहीं देखा, ये भी कह, लेकिन अगला वाक्य देखिए जाहिर है, यानी कि सबकी होती है भैया, इसीलिए वो जाहिर है, स्पष्ट है ये बात कि मेरी एक नानी थी, मैं हूं तो डेफिनेटली मेरी नानी होगी, तो ये उसी बात का है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। देखिए छोटे छोटे वाक्य है, बिल्कुल सीधी भाषा में जिसको कहते हैं, मेरी मां की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। देखिए तीनों कथाकारों की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि हम तीन बहनें जो आज लिख रही हैं वो कहीं ना कहीं नानी, हाँ नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म भी समझ में आया, पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी, अब नानी से शुरुआत करती हैं, मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब ये पहली बात तो ये पूरक पाठ्य पुस्तक है, मैं विद्यार्थी इसको अपने आप पढ़ेंगे, हम केवल जब भी इस पे पूरक पाठ्य पुस्तकों पे के पाठों पे बातचीत करते हैं तो हमें बार बार कहता हूं हम केवल उसके कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं ताकि वो जिज्ञासा पैदा हो और विद्यार्थी खुद उस पाठ को पढ़े। और ये देखिए अगर आप इसी को समझना चाहें कि तीन बहनों का इशारा उसमें आ गया राइटर का कि नानी कैसी थी, नानी बेशक उनकी अनपढ़ और पर्दानशी थी और नाना उनके देखिए कितने एडवांस रहे होंगे कि वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश गए कैम्ब्रिज, जो कि उस समय हर भारतीय का एक तरह से वो सपना कह लीजिए या एक एक चैलेंज कहिए, और अंग्रेजों के समय इसमें वो संदर्भ भी आता है कि एक बड़ा विरोधाभास है इसमें कि देखिए नानी उनकी अनपढ़ है और उनके नाना इतने एडवांस हैं, वो पूरे विलायती हो जाते हैं जब आते हैं, नानी कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन नानी की उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है और उस पहचान के साथ वो अपना जीवन गुजरती। लेकिन बहुत जल्दी जब इनकी जो बेटी थी यानी कि मृदुला गर्ग की माँ जब केवल 15 साल की थी तो नानी की तबीयत खराब होने से लगा कि भैया वो शायद ज्यादा दिन ना रह पाए, तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की। असली मोड़ यहाँ पे है, मजेदार ये है कि ये प्राचीन भारत का ही मामला है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप, वो पर्दे में रहती थी पर्दानशी थी, तो अपने पति से कहती हैं कि आप अपने दोस्त जो प्यारे लाल शर्मा इसमें उल्लेख है जो कि एक भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे, वो कहते हैं आप उनको बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। भाई बड़ा अचंभा होता है कि ये तो हमेशा घर में रहती हैं, बोलते हैं किस लिए, बोला नहीं आप बुलाइए। और वो जो बातचीत होती है वो बड़ी रोचक है इसमें, और वो क्या है, वो ये है कि उनकी नानी उनको बुलाती है, भाई उनको भी लगता नाना को कि शायद समय ज़्यादा नहीं है तो भाई बुला देते हैं, क्या पता क्या कहना चाह रही, तो वो ये इच्छा जाहिर करती है, वो बड़ी जोरदार है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ उनके दोस्त से प्यारे लाल जी कि मेरी बेटी के लिए जो आप शादी के लिए रिश्ता देखे ना वो आप देखना, वो दूल्हा है लड़का जो है आप पसंद करना। तो बोला भाई क्यों, ये क्या बात हुई ये, तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का जो जीवन साथी हो वो मेरे पति की तरह एक अंग्रेज जिसको कहिए कि उस पूरी विरासत से प्रभावित, अब देखिए कनेक्टिविटी अब जुड़ गया कि यही बात बोलने वाली, तो ये अब आपने उसने पूरा का पूरा देखिए, अब इससे पता चलता है, वो कहती है कि मुझे इससे एहसास होता है कि हमारी नानी आजादी के बारे में कितना आगे सोचती थी और वो चाहती है कि भाई इसी तरह का कोई लड़का चुनना आप जो कि भारतीय आजादी के लिए। तो अब आप कह सकते हैं कि नानी बेशक घर में रहती थी
लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से चीजों को अलग तरीके से सोच पा रही थी। नानी की बात हो गई तो माँ की शादी हो गई, लड़का देखा जाता है और लड़का भी जैसा कि भाई उनकी आखिरी इच्छा की तरह था। और आखिरी इच्छा क्या थी कि आखिरी इच्छा ये भाई आप स्वाधीनता संग्राम में कोई लड़का हिस्सा ले रहा हो वो चुनना, स्वाधीनता सेनानी। तो वो ऐसे लड़के से उनकी शादी कर दी जाती है। तो फिर जैसी की दिक्कतें होती हैं फिर वैसे उसमें कुछ उल्लेख भी है। लेकिन माँ इनकी जो थी मृदुला जी की, बहुत सुंदर, बहुत नाजुक, इतनी नाजुक ख्याल भी और नाजुक भी कि वो कहती, उनकी दादी ये कहती थी कि भाई वो तो इतनी नाजुक थी, देखिए हमारी बहू तो ऐसी थी जैसे धोई पोछी और छीके पे टांग दी, इतनी नाजुक कि वो खादी की साड़ी पहनने में भी उनको बड़ा अभ्यास करना पड़ता था कि वो रात भर अभ्यास करती थी कि भाई सुबह जब भी घर के लोग हो तो उनको बाकी को दिक्कत ना हो कि इनको साड़ी पहनने भी नहीं आ रही। कि बड़ी जोरदार बात ये है कि इनकी माँ में, ये कहती हैं हमारी माँ में जो भारतीय गृहिणी, जो भारतीय माँ का आदर्श रखा जाता है वो एक भी गुण नहीं था। तो और वो गुण किस लिए, भाई जैसे बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना ये करना उनको, जैसे उपदेश, ये कहते हैं हमारी माँ ने हमें कोई उपदेश नहीं दिया कि तुम जाके तुम ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अगले घर में जाना, कोई कुछ नहीं। लेकिन एक बात जो है कि वो पढ़ती बहुत थी और वो पढ़ने का भी एक लंबा किस्सा है। वो ससुराल में उनको क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि इसमें इन्होंने कहा कि उनके दो गुण थे कि एक तो वो कभी भी मान लीजिए झूठ नहीं बोलती थी, बिल्कुल सच बोलती थी, और दूसरा वो एक की बात कहते हैं वो दूसरे से नहीं कहती थी और बिल्कुल निष्पक्षता से अपना आराम से रहती थी। कहना उनका साहित्य पढ़ना और साहित्य की चर्चा करना वो आराम। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ससुराल में भाई उनका इतना रोब कैसे था। वो कहते हैं कि शायद ये उसी विलायती खानदान का प्रभाव था कि उनको कोई काम करने के लिए नहीं कहा जाता था। इसमें एक डायलॉग भी है कि उनकी दादी कहती है, देखिए कि भाई आप कोई काम नहीं करती है, तो वो दादी कहती है उनकी कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हैं, हम पे बैल हैं, कि हम हमारे काम करने के लिए बैल हैं, यानी कि दूसरे लोग काम करते हैं। खैर वो कहते हैं कि माँ ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से पूरी आज़ाद ख्याली में जी। और एक बात जो यहाँ पे विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए और स्त्री विमर्शकारों को भी और उनका पक्ष लेने वाले भी और विरोध करने वाले भी, तो ये कहते हैं कि जो माँ की, इसमें आता है वो संदर्भ कि जो माँ की भूमिका है वो सारी भूमिकाएं एक तरह से हमारे पिताजी ने निभाई। अब आप देख लीजिए भाई, अगर आप जो परंपरागत ढांचे में देखेंगे तो ये कहेंगे कि भाई माँ का रोल अलग है पिता का, लेकिन पिता का जो कहना चाहिए उनके साथ खेलना कूदना पढ़ाई लिखाई वो ज्यादा पिता के साथ उनका, पिता ने उनको ज्यादा ध्यान में रखा। और भारतीय माँ का जो कोई भी लक्षण होता है वो इनमें एक भी इनको कहीं उस तरह से, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये कहती हैं कि जैसे उन्होंने अपने तरीके से जिंदगी जी, पढ़ाई लगातार इनके घर में वो माहौल रहा। मुझे इसकी इस कहानी, इस पूरे संस्मरण में कोई ये कह सकता है, मैं भी इसको एक दो बार पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये उस परिवार की कहानी है। मृदुला जी के यहाँ ये लगातार है कि ये जो आर्थिक रूप से कहना चाहिए कि कोई उसको परेशानी नहीं है, उनके यहाँ माहौल कहना चाहिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। और उनका सुविधाओं का किस तरीके से इस्तेमाल है वो भी इसमें संदर्भ आता है। तो ये सवाल जरूर उठता है कि भाई कोई सवाल कर सकता है, मुझे इस पर लगातार इस विषय की ओर मेरा भी ध्यान जा रहा है कि जो लेखन है, जो अपनी जरूरतों को, अपनी निजता को, अपनी अस्मिता का जो जिसको कहते हैं ना, उसके आर्थिक पक्ष को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमारे पास आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है तब ये सवाल ज़्यादा आसानी से विमर्श में आते हैं। और कहते हैं हमारे परिवार में बेशक हम लोग ये कितना, 5 बहनें और एक भाई इनके यहाँ हुआ, उसकी भी कहानी इन्होंने बड़ी मज़ेदार कही है कि हमारी माँ
एक चीज और, इनके मृदुला जी के लेखन में लगातार ये बात इस पाठ में भी आई है कि एक पक्ष तो हमारा जो आजादी से पहले और आजादी के बाद का जो आजादी का जश्न कहिए या आजादी की अपेक्षाएं कहिए, वो लगातार इसमें आपको दिखाई देगा। दूसरा, हर व्यक्ति की निजता की बात है इसमें कि आप ये नहीं, मृदुला जी कहती भी हैं अपने बातचीत में, हमें किसी भी व्यक्ति का विरोध या उसकी स्वीकृति केवल इस आधार पे नहीं कि भाई ये पुरुष है ये स्त्री है, इस आधार पे नहीं, हर व्यक्ति की निजता का एक अपने आप में उसकी पहचान है। एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखिए, व्यक्ति के रूप में उसका विकास हो तो बात बनेगी। अगर आप उसको परंपरागत ढांचे में, रूढ़ी में, छवियों में कैद कर देंगे तो वो दिक्कत सामने आएगी। मैं जो कह रहा कि ये कह रहे हैं कि मेरे व्यक्तित्व, मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व को बनने में, कह रहे हैं कि मेरी नानी, माँ, पिता का रोल तो था ही था, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि इसमें कहते हैं कि मेरी एक परदादी भी थी जिस खानदान में हम लोग हैं, और वो बड़ी जोरदार है उसमें। एक थोड़ा हल्का फुल्का भी लेखन में वो आता है कि दादी जो कह देती, परदादी, दादी नहीं, परदादी, परदादी, केवल परदादी। और परदादी क्या है, वो कहती है कि परदादी जब ये पहली संतान होने वाली थी इनकी माँ को, यानी कि मंजुल भगत जिनकी जो बड़ी बहन थी इनकी, वो होने वाली थी, तो उन्होंने ये दुआ मांगी, ये प्रार्थना की भगवान से एक तरह से कि जो पहली संतान हो वो बेटी हो। तो बड़ा लोगों को लगा कि भाई ये तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में बेटियां ना हो, हमारे परिवार में बेटियां थी, सब था, लेकिन अक्सर पहला बेटा होता था। तो मेरी परदादी ने यह कहा कि भाई अगर हमारे घर में बच्ची पहली हो तो बच्ची हो, और भगवान ने भी उनकी ऐसी सुनी कि लगातार पांच बेटियां हुई कि इसमें बड़ा रोचक प्रसंग है कि वो भगवान जी भी हड़बड़ाहट में आ गए कि भाई वो सीधे सीधे उनका कनेक्शन था परदादी से, और वो पांच बहनों के बाद इनका भाई राजीव हुआ। और वो बताते हैं कि उसका एक किस्सा और भी है कि परदादी का किस्सा क्या है। पहली संतान बताया मैंने, एक बड़ा मजेदार सा किस्सा इसमें आया है कि एक बार देखिए कैसे राइटर चीजों को जोड़ता है जी। वो कहते हैं कि परदादी तो एकदम हमारी जोरदार थी, और ये किसी भी बहन में, जो चारों राइटर हैं, जो लेखक लेखिकाएं हैं, भाई बहन हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार में लड़का लड़की को लेके कोई भेद विभेद की जो कहने चाहिए कुंठा पैदा नहीं हुई, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी इन महिला जो है, दादी, नानी, परदादी, और उनका है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है। तो इनके पिताजी ने भी कहा कि एक और इसमें संदर्भ आया कि पांच बहनें और हर बहन के दो दो नाम हैं, तो लोग कहते थे भाई तुम्हें पांच से तसल्ली नहीं हुई कि पांच के दो दो नाम दस हो गए एक तरह से, ये तो खैर वो एक मजेदार सा कि एक बार रोचक किस्सा इसमें ये है, वो इसमें लेखन की शैली देखनी चाहिए कि नानी नानी, माँ, दादी, परदादी, पिता, उनका खानदान, उनकी शिक्षा दीक्षा किस तरीके से। कह देंगे एक बार इनके घर में चोर घुस आया एक, अच्छा। तो दादी परदादी का, परदादी माँ जी का जो इतना है रोग, वो कहते इतना रोग था तो उन्होंने सेंध लगाई चोर ने और वो घर में घुस आया। तो कहता कहते भाई परदादी है, नींद बुढ़ापे में जल्दी उखड़ जाती है, तो उसको हल्की सी आहट हुई, तो उन्होंने कहा कौन, तो जैसा चोर अक्सर जवाब देते हैं, जी मैं, तो मैं कौन भाई, तो वो चोर जवाब देता है कि मैं, तो वो कहता है मैं कौन, अच्छा चल ठीक है जो भी है, तू ऐसा कर मुझे पानी पिला, ये लोटा रखा और पानी लेके आ कुएं से। तो इतना रोग था तो चोर बोला मैं तो चोर हूं, बोला भाई तू कोई भी हो जा, पहले पानी पिला और देख ध्यान रखना कि कपड़ा ना हटे और अच्छे से छानना। अब आपकी ये जिज्ञासा ये होती है कि भाई कपड़ा ना, चोर एकदम कहना झटका खा गया कि भाई बुढ़िया को कैसे पता चला कि मैंने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए है और कहीं पोटली में मेरे वो कुछ कहते हैं कि एक सामान भी है। तो लेकिन वो परदादी रेफरेंस दूसरा कह रही है, वो ये कह रही है कि भैया तू जो लोटे में पानी है वो कपड़ा बांध के कुएं से अच्छे से और उसको छानना, वो खैर पकड़ में आ जाता है बाद में। लेकिन वो फिर उनको कहती है देखो तुम भी पानी पी लो, वो पानी पी लेता है, और कहती है देखो
अब मैंने भी इसी लोटे से पानी पिया और तुमने भी, तो अब हम माँ बेटा हो गए, जैसे एक ही बर्तन से पानी पिया, तो अब तुम्हारी मर्जी है चाहे चोरी करो चाहे खेती करो। तो चोर फंस गया कि भैया अब क्या करे, तो वो सारी जिंदगी वो खेती करता रहा लास्ट में, और फिर कहना चाहिए ये एक ऐसे ही हल्का फुल्का इसमें संदर्भ है, क्योंकि वो परदादी की कहानी बता रहे। अब इसमें अब बाकी की जो तीन बहनें हैं उनकी भी एक एक दो दो कहानियां इन्होंने कही है, जैसे कि मंजुल भगत भी अपने आप में बड़ा नाम है, और इन्होंने कहा जब मैं भाई आजाद हुआ देश तो सब लोग आजादी के जश्न में जाते हैं कि, तो कहते ये भी जिद करती हैं मृदुलागर कि मुझे भी जाना है जश्न देखने के लिए, इंडिया गेट पे भी हुआ था उस समय जी। तो उस समय दुर्योग कहिए या कुछ भी कहिए बीमार हो जाती हैं, और बीमारी में कहते डॉक्टर मना करता है कि भैया आपको नहीं जाना है, और वो रोते धोते घर में उनको रहना पड़ता है, और उसके हाथ में किताब थमा दी जाती है कि तुम यही देखो, और वो कहते हैं कि, और वो फिर उसमें इतनी खो गई, ये कहती इनको पढ़ने का इतना चाव था कि एक बार उस किताब को पकड़ा तो वो पूरा ही पढ़ के छोड़ा, और बार बार उस किताब को फिर पढ़ा, और ये कहते हैं एक तरह से मानसिक इन्होंने तो रोग कहा है पढ़ने का, लेकिन ये सवाल ये है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप शायद पढ़ने के बाद ही कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में जो लेखन का भी वो आता है उसकी तरफ जाते हैं। पांच बहनों की हमने चर्चा की। अब एक और रेफरेंस मैं इसमें देना चाहूँगा कि एक बार जो कह रहे हैं कि जब शादी के बाद, हाँ एक चीज़ और कि इनका विषय हिंदी नहीं था, मैं कि ये इकोनॉमिक्स में थी और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई भी की और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रही, मतलब टीचर उस समय जो बोलते थे कि, लेकिन इन्होंने शादी के बाद जो लेखन है वो हिंदी में शुरुआत की उसकी, और वो शुरुआत इस ढंग से हुई कि कहना चाहिए उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। और एक चैलेंज की चर्चा इन्होंने कही है कि जब शादी के बाद ये बिहार में गई, बिहार के बाद कर्नाटक में भी गई, इनके पति सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते थे वहाँ पे, फिर जब इनके दो बच्चे हो गए तो उनमें कह रहे कि एक समस्या ये आई कि जहाँ वो काम करते थे वहाँ बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था, तो इन्होंने वो स्कूल भी खोला। और संदर्भ तो और भी कई हैं कि जहाँ बिहार में ये जाती हैं कि कहते हैं कि ये तो खुद नाटक करती थी, नाटक लिखा भी, बिहार में सिनेमा घरों में भी कहते हैं कि वो इतना भेदभाव था कि महिलाएं एक दड़बे में बैठती थी और पुरुष एक दड़बे में, अलग अलग दो पार्ट में बैठते थे, लेकिन कुछ साल के अंदर ही उन्होंने कहा कि जिस अलग अलग बैठते थे वहाँ इन्होंने महिलाओं को लेकर नाटक भी किए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना कहिए कि व्यक्तित्व आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वो कहती हैं कि एक जिद्दीपन जिसको कहिए, लीक से हटकर चलना ना, वो हमारे सब पूरे परिवार में है, वो एक पॉजिटिव है कि स्कूल वहां नहीं था तो स्कूल ही खोल लिया, जिसने मना किया उसको भी, जो जिसकी कैथोलिक पादरी की चर्चा है कह रहा है कि आप गारंटी दीजिए कि ये स्कूल अगले 100 साल तक रहेगा, तो वो कहती है कि इस, मुझे आप बताइए कि इस दुनिया में किसकी गारंटी है कि 100 साल रहेगा, तो आप ऐसी बेतुकी बात जो करते हैं। और लेखन में भी आप इनका जो लेखन देखेंगे, खास तौर से उपन्यासों में जब चर्चा हुई, चित कोबरा, कठ गुलाब, ये बहुत चर्चित विवादित उपन्यास भी रहे, इसके संदर्भ हम कभी फिर मौका मिलेगा, तो ये कह रहे हैं कि केवल हम, मैं जैसे एक दो और उदाहरण इसमें कि हम लेखिकाएं अपनी केवल जिद पे आने वाली, अलग राह बनाने वाली नहीं, जो दो बीच की बहनें हैं वो लेखिकाएं नहीं है, वो लिखती नहीं है, वो कहती है कि नहीं घर में कोई पढ़ने वाला भी चाहिए जब सारे लोग लिखेंगे तो ये खास बात ये कि इनके ससुराल पक्ष में कोई नहीं लिखता ना पढ़ता उस तरह से, तो वो ये कहती है मुझे इसका एक नुकसान भी हुआ, शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था कि हम इतना अच्छा लिखते हैं, लोग सब सारी दुनिया मानती है और घर में ही नहीं पढ़ते, तो वो कहते नहीं उसका मुझे फायदा भी हुआ कि शायद जो एक हिंदी आलोचना बुद्धि होती है उससे वो बची रही और वो अपना जो मौलिक लेखन था। मृदुला गर्ग अपने पूरे लेखन में, पूरे कहना चाहिए कि कथ्य और शिल्प में अकेली ऐसी रचनाकार हैं जो पूरी परंपराओं को तोड़ते हुए कथ्य के लिए, विषय वस्तु के लिए अलग पूरी तरह से, लेकिन
जैसे इसमें एक संदर्भ भी है कि जो कह रहे छोटी बहन, बीच वाली दो बहनें, वो कह रहे उनके शादी का है कि वो जिद्दी इतनी है कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इन से ही शादी करनी है, किसी भी उनका कह दिया कि मुझे इनसे शादी करनी है। और रोचक बात यह कि वो लड़का भी नहीं जानता कि ये मुझसे शादी उनकी बहन करना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे परिवार में वो एक तरह का वो जिद्दीपन होने का, और वो क्रिएटिव है, ऐसा नहीं है कि केवल वो हो। वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको अगर अपनी अस्मिता बनानी है तो अपने ढंग से जीना होगा, अपने ढंग से उसको चीज़ों को देखना होगा, किसी भी लीक पे आप चल के कहना चाहिए वो राह नहीं पा सकते जो आपके व्यक्तित्व की मूल संरचना है, मूल ढांचा है। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ढंग से काम भी करना पड़ेगा। लेकिन मृदुला गर्ग जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें परंपराओं के साथ भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके ही आएं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं रूढ़ियाँ नहीं हैं, नेगेटिव नहीं है। जो अच्छा है वो लीजिए, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़िए और नई राह तलाशिए। ये उन्हीं नई राहों का ही परिणाम है कि आज हम एक नहीं, एक एक परिवार में तीन तीन चार चार बड़े रचनाकार देखते हैं। और ये सारी महिलाएं एक साथ अगर हम एक झलकी में देखना चाहते हैं तो ये मेरे संघ की औरतें जरूर पढ़ें, हमारे विद्यार्थी और साथी और भी किसी के लिए भी, अपने आप में एक रोचक टेक्स्ट है। बिल्कुल, हम सबको पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपने शुरुआत में ही बोला था कि अगर आपको कोई पहचान बनानी तो जरूरी नहीं कि आप अपनी अस्मिता को छोड़ दें और वो एक जो रवैया चलन का है उसके साथ चलें। तो वो अगर देखिए इस संस्मरण में भी आप वही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल है उस पशमंजर का, उस पृष्ठभूमि का, वो बिल्कुल भी नहीं छूटा है। भले ही उनके हस्बैंड नानी जी के जो गए थे, नाना जी आदरणीय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर आए, लेकिन वो अपने तरीके से ज़रूर है, लेकिन नानी जी का जो रवैया था, जो चाल चलन था, जो उनकी नियमावली थी, उस पशमंजर को लेकर वो बिल्कुल भी नहीं बदली। तो यस, उसको पकड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर आप ऐसे संस्मरण पढ़ें और ये किसी भी पशमंजर से रिलेटेड हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे संस्मरण से हम सबको वाकिफ कराने के लिए। डॉक्टर कोहली, आपका अपने अपना अमूल्य समय में दिया, धन्यवाद। तो जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे साइंस कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जहां पर हम जानेंगे व्हाई डू वी फेल टू फॉल इल, क्यों बीमार हुए, कहानी का आई थिंक दूसरा भाग इसके बाद।